तो दोस्तों आप सभी का टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम में स्वागत है और हम आपको ये बताना चाहेंगे कि कैसे एक बहुत ही जबरदस्त टीचर बने। दोस्तों हम देख रहे हैं इसका बहुत अभाव है, जो लोग बीएड भी कर लेते हैं, एमएड कर लेते हैं, तमाम डिग्रियां ले लेते हैं, पीएचडी की डिग्री ले लेते हैं, बहुत सारे सर्टिफिकेट्स लेके बैठे होते हैं, तो भी उनको टीचिंग स्किल्स नहीं आती है। दोस्तों जो डिलीवरी पैटर्न है, किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए एक अच्छे टीचर बनने के लिए, वो उनको नहीं पता होता है। तो हम चाहेंगे कि इस प्रोग्राम में हम आपको स्टेप बाय स्टेप इन सब चीजों के बारे में बताएं। जो पहला पॉइंट हम आपको बता रहे हैं दोस्तों, वो है यकीन। हां दोस्तों, बिलीव। क्या आप अपने बच्चे के अंदर, अपने स्टूडेंट के अंदर, जो एक डिसाइपल आपके पास आया है, जो एक शागिर्द आपके पास आया है, जो आपसे कुछ सीखने आया है, आप मेंटर हो सकते हैं, आपका मेंटी हो सकता है वो, जहां पे भी आप लीडरशिप रोल में आते हैं, जहां पे भी आप टीचिंग रोल में आते हैं, जहां पे भी आप ज्ञान देने वाले के रोल में आते हैं, तो क्या पहली चीज आपके दिमाग में क्लियर होती है कि आपको उस बच्चे के अंदर, उस स्टूडेंट के अंदर वो बिलीव डालना है, वो यकीन डालना है कि वो कुछ कर सकता है? हाँ दोस्तों, उसके अंदर यकीन डालना होगा हमारे को उसकी मेहनत के लिए, उसके अंदर यकीन डालना होगा जिससे वो खुद पे विश्वास कर सके। हम देख रहे हैं, हम तमाम ज्ञान तो दे देते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, हम देखते हैं अकाउंटेंसी पढ़ा रहे हैं, हम ये पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है दोस्तों, पर इसके साथ अगर आप स्टूडेंट के अंदर यकीन भरते हैं तभी उसका इनर मोटिवेशन स्ट्रांग होता है। दोस्तों एक्सटर्नली हम कितना भी मोटिवेट करते हैं तब भी अगर हम बच्चे को खुद से ना जोड़ पाए, उसके अंदर ये बिलीव ना करवा पाए कि वो कर सकता है, उसमें वो बात है, वो दिखा सकता है, हो सकता है तमाम लोग बचपन से उसके आत्मविश्वास को चकनाचूर कर रहे हों, हो सकता है उसने अपनी जिंदगियों में बहुत सारी असफलताएं देखी हो सकता है वो जिस परिवार से बिलोंग करता है वहां पे कोई बेहद सफल इंसान ना रहा हो सकता है वो फाइनेंशियली जूझ रहा हो सकता है कि वो जिस एनवायरमेंट में उठता बैठता है, यानी उसके दोस्त, उसके रिश्तेदार, वो एनवायरमेंट उसको मोटिवेट नहीं कर पा रहा है। हो सकता है दोस्तों कि उसके दिमाग के जो विचार चलते हैं वो नकारात्मक है, पर टीचर का वो काम होता है दोस्तों, टीचर का काम होता है कि वो बच्चे के अंदर उस यकीन को भरे, उस बिलीफ को भरे कि हां तुम कर सकते हो, उसको वो प्लेटफॉर्म दे जिसमें उसको जीतने के मौके मिले, जिससे उसकी आत्म छवि बहुत स्ट्रांग बने। हाँ दोस्तों, जितना भी परफॉर्मेंस होता है, जितना भी एक बच्चा अपने पोटेंशियल को समझ पाता है, वो सिर्फ आत्म छवि की वजह से समझ पाता है। अगर बच्चे की आत्म छवि कमजोर होती है, उसको बात बात पे लताड़ा जाता है, उसको बात बात पे ये लालचन लगाया जाता है कि तुम नाकारे हो, नालायक हो, और कई बार कुछ बोला ही नहीं जाता, सिर्फ सब्जेक्ट पढ़ा दिया जाता है। तो हमने देखा है ऐसे केसेस में एक बच्चा उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाता जिस मुकाम तक उसको पहुंचने की चाहत होती है, या जिन क्षमताओं को वो लेकर बैठा होता है उन क्षमताओं को वो एक्सप्रेस नहीं कर पाता। तो दोस्तों यदि आप एक अच्छा टीचर बनना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि उस परवरदिगार ने जो आपको ये रहमत बख्शी है टीचिंग की, आपको इस प्रोफेशन में लेके आए हैं, इस रोल के अंदर लेके आए हैं जिसमें आप लोगों की पूरी जिंदगियों के अंदर बदलाव लाएंगे, तो आपको अपने अंदर इस बात को बहुत भरना होगा कि सबसे पहली चीज जो मेरे को बच्चे के अंदर डालनी है, उसके अंदर ये यकीन डालना है कि हां वो अगर मेहनत करेगा तो अवश्य सफल होगा। दोस्तों कई बार हम देखते हैं बच्चों के अंदर उस खुदा, उस अल्लाह, उस भगवान, उस वाहेगुरु, उस जीसस या उस कृष्ण के लिए वो भाव नहीं होता, वो भाव नहीं होता। हम हमेशा अपने स्टूडेंट को कहते हैं आप जिसको भजना है उसको भजिए, पर ये बहुत ध्यान रखिए कि आपका फेथ कितना है उसके ऊपर, क्योंकि जब तक हमारे पास खुदा पे फेथ नहीं होता हम खुद पे भी फेथ नहीं कर पाते। ये बात आप बहुत ध्यान से समझिएगा दोस्तों। अगर एक बच्चे को ये लगता है कि मेरी मेहनत से क्या होगा, अरे मेहनत करने से क्या होता है, तो हम उसको बार बार समझाएं, अरे खुदा कभी भी किसी की भी मेहनत को यूं ही बेवजह जाने नहीं देता। अगर आपने थोड़ा सा भी प्रयास किया है तो खुदा आपके साथ खड़ा रहता है, वो भगवान ईश्वर अल्लाह आपके साथ खड़ा रहता है। आप एक कदम तो आगे बढ़ा के देखें, आप देखेंगे कि तमाम कायनात आपको आपके लक्ष्य से जोड़ने के लिए लग जाएगी। दोस्तों तो दोस्तों ये बेहद आवश्यक है कि यकीन भरिए अपने स्टूडेंट्स के अंदर। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं आपको बताना चाहूंगा, सारे अध्यापकों, सारे टीचर्स
कि आप अपनी जिंदगी के अंदर कोई मकसद डालिए दोस्तों। अगर आपके पास मकसद नहीं है, आपके पास कोई पर्पस नहीं है, हम स्टूडेंट को क्या मकसद दे सकते हैं, क्या पर्पस दे सकते हैं? क्योंकि स्टूडेंट के पास जब तक मकसद या पर्पस नहीं रहेगा, वो अच्छा स्टूडेंट नहीं बन सकता दोस्तों। हमने देखा है कि कई टीचर्स एक दिहाड़ी मजदूर की तरह काम करते हैं। उनके दिमाग में सिर्फ ये रहता है मुझे कितना पैसा मिलेगा, जो कोई बुरी बात नहीं है दोस्तों, वो बहुत अच्छी बात है। पर अगर आपका परम लक्ष्य ही सिर्फ पैसा है, तो एक बार अपने अंदर झांक के देखिएगा कि क्या आप सच में एक अध्यापक के मकसद के लिए काम कर रहे हैं। क्योंकि अध्यापक जो होता है, एक टीचर जो होता है, एक ट्रेनर जो होता है, एक कोच जो होता है, वो ऐसा इंसान है जो लोगों की जिंदगियां बदलता है। वो पूरी की पूरी डेस्टिनी बदल देता है किसी इंसान की, पूरे के पूरे लोगों के भविष्य को बदल सकता है। इतनी ताकत होती है एक टीचर के अंदर, एक अध्यापक के अंदर। पर क्या हम ये समझ पा रहे हैं कि हमारा मकसद क्या है? कई बार मकसद बनाए जाते हैं कि मुझे एक गवर्नमेंट जॉब चाहिए भाई, मुझे इतने इतने पैसों की नौकरी चाहिए। जब वो गवर्नमेंट जॉब मिल भी जाती है तो उसके बाद काम करना बंद कर देते हैं, फिर सारे मकसद चौपट हो जाते हैं, फिर एक ही ढर्रे पे जिंदगी को चलाया जाता है। कुछ लोग सिर्फ ये मकसद बनाते हैं कि भैया मुझे इतनी सैलरी चाहिए अपनी जॉब के अंदर, मुझे इस फला यूनिवर्सिटी के अंदर इस पोजीशन पे आना है, मुझे इतने सारे बच्चों को पढ़ाना है। अरे ठीक है, अगर आप ये सब सोचते हैं तो ठीक है, पर हम लोगों की जिंदगियां बदल रहे हैं दोस्तों। हम टीचर, मेरे जैसे टीचर, आप जैसे टीचर, हम लोग अपने स्टूडेंट्स की पूरी थिंकिंग बदलते हैं, पूरी जिंदगी बदलते हैं। उसके लिए क्या कर रहे हैं? तीन मकसद आप अपने स्टूडेंट के अंदर हमेशा डालिए दोस्तों। एक टीचर के लिए बेहद आवश्यक है दोस्तों कि वो अपने स्टूडेंट के अंदर ये पता लगाए कि उसकी क्षमताएं क्या है, उसके अंदर कौन सा हुनर है। वो ऑब्जर्व करे अपने स्टूडेंट को और उसको याद दिलाए कि तेरे अंदर हुनर क्या है। एक टीचर एक अच्छा मैनेजर होता है दोस्तों, मैनेजमेंट होता है उसके अंदर, मैनेजमेंट। एक इंसान उसकी एज के अकॉर्डिंग, यानी उसके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, उसके हुनर के अकॉर्डिंग, वो मेंट किस चीज के लिए बना है, ये टीचर का काम है कि बच्चे को हर वक्त उसके मकसद से जोड़े रखे। ये तेरा लक्ष्य है, तुझे उस लक्ष्य पे पहुंचना है, किसी भी कीमत पे पहुंचना है। तो हमारे को ये बच्चे को बार बार याद दिलाना होगा कि उसकी क्षमताएं क्या है, क्या वो अपनी क्षमताओं के साथ न्याय कर रहा है, दूसरा मकसद। और तीसरी चीज, जब वो अपनी क्षमताओं के साथ न्याय करता है, बहुत मेहनत करता है किसी चीज तक पहुंचने के लिए, तो क्या वो शांत रहता है? क्योंकि देखा गया है कि जुनूनी तो बहुत सारे बच्चों को हम बना देते हैं, पर इस वजह से कई बार वो शांत नहीं रहते, वो शांत हो जाते हैं। उनके अंदर एक्स्ट्रा जो एनर्जी है, हम उसको टेम नहीं कर पाते, उस पर लगाम नहीं कस पाते। हम उस बच्चे को सही मार्गदर्शन तो दे देते हैं कि हां बेटा तेरे को इस फील्ड में इतने घंटे मेहनत करनी है, पर फिर उसको संभाल नहीं पाते। उसकी एनर्जी जब उसके अंदर से निकलती है बहुत ज्यादा, इस वजह से वो कई बार व्यसन में फंस जाता है, इस वजह से उसके अंदर बुरी आदतें लग जाती है और हम उस पर ध्यान नहीं दे पाते। तो टीचर है तो इस बात पर बहुत ध्यान दीजिए कि क्या आपके खुद के पास कोई मकसद है, क्या आपके हर एक घंटा, हर एक दिन, हर एक सप्ताह, हर एक महीना, हर एक साल क्या किसी मकसद से जुड़ा रहता है? जब आप अपने बिस्तर से सुबह उठते हैं तो क्या किसी मकसद से उठते हैं, या सिर्फ एक और दिन काटने के सोच विचार से उठते हैं दोस्तों? क्योंकि अगर आपके पास मकसद नहीं है तो हम बच्चों के अंदर क्या खाक मकसद भरेंगे दोस्तों? ये बहुत हमको समझना होगा कि अगर आम से ये जो आम स्टूडेंट हमारे पास आते हैं, अलग अलग तबकों से जो स्टूडेंट हमारे पास आते हैं, यदि हमारे को उनको खास बनाना है, यदि हमको भी वो तमाम टीचर्स में से कोई खास टीचर बनना है और स्टूडेंट को खास बनाना है, तो हमारे को हर पल अपने दिमाग में एक मकसद चलाना होगा, एक पर्पस चलाना होगा। तभी हम बदलाव ला सकते हैं स्टूडेंट्स में, तभी हम बदलाव ला सकते हैं खुद की जिंदगी में। और मैं इतना आपको गारंटी देता हूं दोस्तों, अगर मकसद लेके चलोगे ना तो दिन दुनी रात चौगनी तरक्की करोगे। अगर मकसद लेके चलोगे ना तो अगर आपकी अंतिम सांस ये अगला पल ही क्यों ना हो तो भी बहुत ही शांति से अपनी मृत्यु को गले लगाओगे, क्योंकि आपको पता है आपने अपना हर एक पल, अपना हर एक सांस अपने मकसद के लिए लगाया था और किसी फालतू की चीज के लिए नहीं लगाया था दोस्तों। तो इस बात को बहुत समझिए और अपनी जिंदगी में लगाइए, और उन तमाम स्टूडेंट की जिंदगी में लगाइए जिनकी जिंदगी में आप बदलाव लाना चाहते हैं, जो स्टूडेंट बन के आपकी जिंदगी में आए हैं दोस्तों। धन्यवाद।
दोस्तों तीसरी और बेहद इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूं और वो है सहयोग करना, कोऑपरेशन करना। क्या ये बात आप अपने अंदर महसूस करते हैं कि आप एक कोऑपरेटिव इंसान हैं? तो अगर आप एक अच्छे टीचर बनना चाहते हैं, एक अच्छे अध्यापक बनकर, एक अच्छे कोच बनकर, एक अच्छे ट्रेनर बनकर अपनी जिंदगी में आगे से आगे बढ़ना चाहते हैं तो कोऑपरेशन कीजिए। अरे देखते हैं स्टूडेंट्स के साथ टीचर्स कोऑपरेट नहीं करते। अगर पता चलता है एक टीचर को कि उसकी क्लास के अंदर कुछ ऐसे बच्चे हैं जो उसकी बात को, टीचर की बात को एक बार में नहीं समझते हैं, तो क्या टीचर कोऑपरेट करता है कि वो अपनी बात को वापस दोहराता है या क्लास के बाद थोड़ा समय निकालता है उन बच्चों के लिए? अरे जैसे पांच उंगलियों का साइज सेम नहीं होता दोस्तों, वैसे ही बच्चे सारे सिमिलर नहीं होते, अलग अलग तरीके से होते हैं। पर हम कितना कोऑपरेशन करते हैं अपने बच्चों के साथ, अपने स्टूडेंट्स के साथ। यही बच्चे इन बातों को बहुत नोटिस करते हैं। अरे आगे जाके ये बच्चे आईएएस ऑफिसर्स बनते हैं, डॉक्टर्स बनते हैं, इंजीनियर्स बनते हैं, पॉलिटिशियंस बनते हैं, बड़े बड़े तबकों पे जाकर बैठते हैं। और मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, वहां पे देखा जाता है कि वो कोऑपरेटिव नहीं होते। और अगर उनकी पास्ट इंजीनियरिंग की जाए, ये पता लगाने का प्रयास किया जाए कि वो ऐसे क्यों है, तो मैं पूरी की पूरी जिम्मेदारी उस टीचर पे डालूंगा जिन टीचर्स ने उस बच्चे को पढ़ाया। अरे दोस्तों कोऑपरेशन तो कितना आवश्यक है। क्या आप चाहते हैं कि सारे स्टूडेंट सिर्फ आपसे इसलिए प्यार करें या इसलिए आपको इज्जत दें क्योंकि आप उनको अच्छे मार्क्स देते हैं, वाइवा के अंदर एक्स्ट्रा मार्क्स दे देते हैं? नहीं दोस्तों, अगर सही मायने में आप उनके दिल में अपनी जगह बनाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि वो आपको दिल से इज्जत करे, तो उनके साथ कोऑपरेट करिए। अरे उनको नहीं पता होता कई चीजों के बारे में, आप एक बार उनके जूतों में पैर रख के महसूस करिए कि उन पे क्या बीतती है। समझिए दोस्तों, उनकी उम्र में आप कैसे थे, उनकी उम्र में आपके दिमाग में कितनी नॉलेज थी, आप में कितनी समझ थी। अरे आप शैतानी नहीं करते थे, आपको परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता था, आपको चुनौतियों का सामना नहीं करना पड़ता था उस उम्र में? तो हम जब इस बात को अपने अंदर डालते हैं, उस एम्पथी को अपने अंदर डालते हैं, उनके प्रति एक दया भाव या सिंपति रखते हैं, तो ये सहयोग आ जाता है दोस्तों, वो कोऑपरेशन आ जाता है। और कोऑपरेशन वर्ड बहुत जरूरी है। हम देख रहे हैं इनटॉलरेंट सोसाइटी बन रही है दोस्तों, इनटॉलरेंट सोसाइटी बन रही है। अरे बच्चे अपने मां बाप के साथ सहयोग नहीं कर रहे। आप खुद का एग्जाम्पल ले लीजिए, मैं अपनी जिंदगी में कई बार देख पाता हूं कि हम लोगों को साथ मिलकर चलने में बहुत चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, चाहे साथ हमारे भाई बहनों के साथ ही क्यों ना चलना पड़े, चाहे साथ मेरे बिजनेस पार्टनर्स के साथ क्यों ना चलना पड़े, चाहे मेरी ऑर्गेनाइजेशन में सारे एम्प्लॉयज हैं उनके साथ चलने की जब बात आती है तो भी हम कोऑपरेटिव नहीं होते। सोचिएगा इसके बारे में। सबका साथ सबका विश्वास, हम देख रहे हैं जिन लोगों ने इसको माना वो कहां से कहां पहुंच गए लोग। बोला जाता है दोस्तों कलयुग के अंदर संगठन सबसे मजबूत होता है, संगठन सबसे मजबूत है। क्या आप सबके साथ कोऑपरेशन करके चलते हैं, सहयोग करके चलते हैं? अगर आप ये नहीं करते हैं तो आप अपने बच्चों के अंदर ये कैसे डाल सकते हैं, आप अपने स्टूडेंट के अंदर ये वैल्यू कैसे भर सकते हैं? दोस्तों प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हर वक्त आज से इस बात को अपने जहन में रखिए, अगर मुझे सच में इन स्टूडेंट्स का अच्छा भविष्य बनाना है तो मेरे को उनके अंदर वो वैल्यू इनकल्केट करनी है जो है कोऑपरेशन। और अगर मैं ये वैल्यू उनके अंदर इनकल्केट करना चाहता हूं तो मुझे अपने एक्शंस में वो कोऑपरेशन दिखाना होगा, तभी मैं सही मायने में इनके अंदर वो बदलाव ला पाऊंगा। धन्यवाद। चौथा पॉइंट जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो है चरित्र, कैरेक्टर। कई बार मुझसे लोग बोलते हैं कि सर कैरेक्टर का मतलब तो यह है कि हमेशा सच बोलो, और कैरेक्टर का तो मतलब यह है जो समाज कहता है वो काम करो, इस रिलीजन में ये होता है कैरेक्टर, उस रिलीजन में वो कैरेक्टर होता है। तो मैं उनको कहता हूं नहीं, ये नहीं है कैरेक्टर दोस्तों। जो हम लोगों को दिखाते हैं या लोगों की नजरों में जो आपकी इमेज है वो तो रेपुटेशन है आपकी, पर जो खुद की नजरों में आपकी इमेज है वो आपका कैरेक्टर है, वो आपका चरित्र है दोस्तों। खुद की नजरों में आप कितना अपने आप को रिस्पेक्ट करते हैं, और वो रिस्पेक्ट जब तक बड़ा नहीं होगा तब तक आप बड़े आदमी नहीं बन सकते, आप सक्सेसफुल आदमी नहीं बन सकते। हमने तमाम लोगों की बायोग्राफीज पढ़ी
और हमने तमाम लोगों के अलग अलग तरीके देखे कि वो किस तरीके से अपने आप को लोगों के समक्ष प्रेजेंट करते हैं, पर तब भी एक बात उनमें कॉमन दिखी कि उनकी खुद की नजरों में जो इज्जत थी वो बहुत स्ट्रांग थी दोस्तों, वो बेहद स्ट्रांग थी। मैं कुछ एग्जाम्पल्स देके आपको समझाने का प्रयास करता हूं, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा दोस्तों। आप सोचिए एक बार के लिए कि एक बच्चा है आपकी क्लास के अंदर, उसने कोई शैतानी की, यानी कि कोई रजिस्टर छुपा लिया। आप क्लास में गए और आप रजिस्टर ढूंढ रहे थे, आपने बहुत रजिस्टर ढूंढा, आप परेशान हो रहे हो, पर वो बच्चे आपको बता नहीं रहे कि रजिस्टर कहां है। आपने क्या किया, आपने क्लास में बोला कि मुझे आप लोग बता दो वो रजिस्टर कहां है, मैं आपसे वादा करता हूं कि अगर आपने सच सच बता दिया तो मैं आपको कुछ भी नहीं कहूंगा। आपने ये बोला स्टूडेंट्स को, तो उसमें से एक स्टूडेंट खड़ा होता है क्योंकि उसको आप पे यकीन है, उसको आप पे बिलीव है कि सर ने कहा है तो सच ही कहा होगा। उसने बताया कि मैंने सर रजिस्टर छुपाया था, माफी चाहूंगा, ये रहा आपका रजिस्टर। अब अगर आप एक डंडा निकालते हैं और उस बच्चे की बहुत पिटाई करते हैं तो क्या आपको लगता है कि आपके अंदर चरित्र है, आपके बातों पे आपको गर्व है? नहीं दोस्तों, ये बिल्कुल भी नहीं होता था। सबसे बड़ी बात जो हम देखते हैं वो है रिमेन कमिटेड टू योर कमिटमेंट्स। वादा खिलाफी हमेशा आपके चरित्र को गिराती है दोस्तों। आपने यदि कोई वादा किया है अपने स्टूडेंट्स को, यदि कोई वादा किया है खुद से, यदि कोई वादा करते हैं समाज से, यदि कोई वादा करते हैं पब्लिकली, उसको निभाइए दोस्तों। वो आपकी कैरेक्टर स्ट्रेंथ बनाता है, वो आपके चरित्र में चार चांद लगाता है। क्या आप पंक्चुअल रहते हैं? अगर आपने ये ठाना है कि मैं हर वक्त जहां पे भी पहुंचूंगा समय पे पहुंचूंगा, क्या आप इसको फॉलो कर पाते हैं? आप कहते कुछ है करते कुछ है, तो भूल जाइए दोस्तों कि आपका वो किरदार, वो चरित्र, वो कैरेक्टर स्ट्रांग बनेगा। और जब हमारा खुद का ही कैरेक्टर स्ट्रांग नहीं है, किरदार स्ट्रांग नहीं है, चरित्र स्ट्रांग नहीं है, तो आपको लगता है कि हम स्टूडेंट के अंदर वो कैरेक्टर चरित्र डाल पाएंगे? नहीं दोस्तों, क्योंकि स्टूडेंट निरंतर आपको देखता है, हर वक्त आपको देख रहा है। आप जो कहते हो बड़े बड़े वर्ड उन पे वो यकीन नहीं रखता, पर जो आप करके दिखाते हो उन चीजों पे उसको पूरा का पूरा विश्वास होता है। वो उन्हीं चीजों को जाने अनजाने में या जान पूछ के सीख लेता है और वैसा ही बन जाता है दोस्तों। तो यदि आने वाली पीढ़ी को हमारे को कैरेक्टरफुल बनाना है, चरित्रवान बनाना है, किरदार से ओतप्रोत बनाना है, तो हमको खुद के अंदर किरदार को डेवलप करना होगा, चरित्र को डेवलप करना होगा। और उसके लिए ये बेहद आवश्यक है कि खुद की नजरों में आपकी इज्जत को बरकरार रखिए। आप ये क्लियर कर लीजिए कि आप जिंदगी में चाहते क्या है, क्या उससे जाने अनजाने में किसी का आप जबरदस्ती दिल तो नहीं दुखा रहे? क्योंकि अनजाने में अगर किसी का दिल दुखता है तो इसके लिए हम ज्यादा कुछ कर नहीं सकते। हम जियो और जीने दो की फिलॉसफी पे अपनी जिंदगी को चलाते हैं। लोगों को अपनी जिंदगी जीने दीजिए, आप खुद की जिंदगी को जिए, और लोगों को ये क्लियर करिए कि आप उनसे चाहते क्या हैं। क्योंकि जब जब हम अनक्लियर होते हैं और कंफ्यूज होते हैं, तब हमारा किरदार भी है वो कमजोर हो जाता है, तब हमारा चरित्र है वो भी कमजोर हो जाता है। आपको बिल्कुल क्लियर रहना होगा कि आप जिंदगी से चाहते क्या है, आप खुद की लाइफ से चाहते क्या है, और एक बार अपना स्टैंड पॉइंट बना ले तो उस पर अडिग रहे दोस्तों। आप देखिएगा आपकी कैरेक्टर स्ट्रेंथ दिन दुनी रात चौगने की तरक्की करेगी, आपकी जिंदगी में भी आप बहुत आगे बढ़ेंगे और सक्सेस पाएंगे। अगर आप टीचर हैं तो आपके अंदर टीचिंग स्किल्स तो होनी चाहिए दोस्तों। क्वालिफिकेशन तो बहुत ले लेते हैं, अरे जी मैंने ये पीएचडी डिग्री ले रखी है, मैंने ये डिग्रियां ले रखी हैं, मैंने नेट का एग्जाम क्लियर कर रखा है, मैं यहां पे पढ़ा चुका हूं, मैं इतने साल से पढ़ा रहा हूं, ये तमाम बातें तो करते हैं टीचर्स, पर देखा जाता है कि जो बेसिक्स होते हैं टीचिंग मेथड्स वो उनको नहीं पता होते। अगर हम बोलते हैं कि आप अपने आप को कितना रिन्यू करते हो तो वो बता नहीं पाते कि कितना रिन्यू करते हैं। कई बार तो ऐसे टीचर्स को देखा गया है जो कहते हैं हमें किताबें पढ़ने का शौक नहीं है जी, वो शौकिया मानते हैं किताबों को पढ़ने को। कई बार कुछ टीचर्स के घर पे मैं पर्सनली विजिट करता हूं और मैं ये देख के दंग रह जाता हूं कि वहां पे एक किताब नहीं मिलती। सोचिए दोस्तों, टीचर्स हैं, बच्चों का भविष्य बना रहे हैं, बच्चों की जिंदगियां बनाने का पूरे जिम्मेदारी उनके कंधों पर है, तो भी वो पढ़ नहीं रहे हैं। अगर आप पढ़ नहीं रहे तो दोस्तों भड़ोगे कैसे? अगर आप भड़ोगे नहीं तो आप दिन प्रतिदिन मर रहे होंगे ना दोस्तों। ये बेहद आवश्यक है कि टीचिंग अगर करते हैं तो आपके अंदर वो जुनून होना चाहिए टीचिंग का, कि जब आप कुछ घंटों का लेक्चर दें तो बच्चों को वो कुछ मिनटों का लेक्चर लगे,
ये नहीं कि अगर आप कुछ मिनटों का लेक्चर दे रहे हैं तो बच्चों को वो घंटों का लग रहा है, वो यही प्रार्थना कर रहे हैं कि कभी टीचर क्लास से जाए। अरे मुर्दा बन के आते हुए देखा है मैंने तो टीचर्स को कई बार क्लास के अंदर, बस आते हैं मुर्दों की तरह पढ़ा के और चले जाते हैं। हाँ दोस्तों, सच बोल रहा हूं, खुद अपने अनुभव से बोल रहा हूं कि टीचर, एक साधारण टीचर और एक असाधारण टीचर में सिर्फ एनर्जी लेवल का डिफरेंस है दोस्तों, सिर्फ जुनून का डिफरेंस है, सिर्फ टीचिंग मेथड्स का डिफरेंस है। अरे यदि आप अपनी बात ही स्टूडेंट्स के सामने नहीं रख पाते, आपको स्टूडेंट्स को एंगेज करना नहीं आता, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स वीक है, जब आप अपनी बात रखते हैं तो आपको यह पता नहीं होता कि मुझे शुरुआत कैसे करनी है, अंत कैसे करना है, बीच में कैसे बोलना है। ये ध्यान रखिए दोस्तों, आप कितने ही सूरमाओं को पढ़ाते हो, हां कई लोग बोलते हैं मैं IIT के बच्चों को पढ़ाता हूं, कई लोग बोलते हैं भैया मैं PhD के स्टूडेंट्स को भी पढ़ा देता हूं, पर हम आपको कहना चाहते हैं कोई भी कॉन्सेप्ट यदि आप 5वीं 6वीं 7वीं कक्षा के बच्चे को ढंग से नहीं समझा पाते तो यानी आप बहुत डिफिकल्ट टीचर हैं। हाँ दोस्तों, कोई भी जैसे थर्मोडायनेमिक्स ले लीजिए आप एग्जाम्पल, 11वीं 12वीं के बच्चों को पढ़ाया जाता है, पर यदि आप वो एक 5वीं कक्षा या 6वीं कक्षा के बच्चों को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे ना, तो यानी आप बहुत टफ तरीके से पढ़ाते हैं। इसको जितनी जल्दी समझ ले उतना आपके अंदर बदलाव आ सकता है टीचिंग मेथड्स में। एक जो अच्छा टीचर होता है वो किसी भारी कॉन्सेप्ट को, किसी डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट को बहुत आसानी से, बहुत बेसिक तरीके से किसी बच्चे को भी समझा देता है दोस्तों, और ये तभी होगा जब आपके अंदर वो टीचिंग मेथड्स डेवलप होंगे। बहुत आवश्यक है कि आप देखिए कि क्या आप अपना आई कॉन्टैक्ट बना पाते हैं जब आप बच्चों से बात करते हैं, क्योंकि आईज के थ्रू ही तो आप उनके दिल तक उतरोगे दोस्तों। जब आप पब्लिक स्पीकिंग करते हैं तो आपकी आवाज में वो किरदार है क्या, वो चरित्र है क्या, क्योंकि आप लोगों के दिलों तक, उनके इमोशन तक तभी पहुंच पा सकते हैं जब आप कोई अच्छा रोल प्ले कर पाए क्लास के अंदर। अगर आपको मोटिवेट करना है तो आप एक मोटिवेटर के रोल में आए, अगर आपको उनके अंदर ममता का भाव डालना है तो आपके अंदर एक माँ का रोल होना बेहद आवश्यक है, यदि आप उनको एक मिशन के लिए तैयार कर रहे हैं तो आपको एक कर्नल या ब्रिगेडियर के रोल में आना पड़ेगा दोस्तों। और ये टीचर को अगर ये सारे रोल प्ले करने आते हैं अपनी वॉइस के थ्रू, उसका वॉइस मॉड्यूलेशन, उसकी पिच कैडेंस, जो उसके वॉइस को रखने का तरीका है, अगर वो ढंग से रख पाता है तो देखिए आप क्या जबरदस्त टीचर बनेंगे दोस्तों। ये बेहद आवश्यक है, ये बेहद आवश्यक है कि जब आप अपनी बात रखते हैं तो उस बात को रखते वक्त आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है। हाँ दोस्तों, क्या आपके जेस्चर्स ठीक है, आपके फेस के एक्सप्रेशन ठीक है, क्या आपके पॉस्चर्स ठीक है, आपकी बॉडी मूवमेंट सही है, आप वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के कॉन्सेप्ट को बहुत ढंग से समझते हैं। अरे टीचर को देखकर कई बार वो टीचर ही नहीं लगता, वो सिर्फ ऐसा लगता है कि बस एक इंसान आ गया है और बहुत बोरियत वाला इंसान है, नॉलेज होगी बहुत ज्यादा पर कोई कनेक्शन नहीं है स्टूडेंट्स के साथ, कोई कनेक्शन नहीं है स्टूडेंट्स के साथ। टीचिंग मेथड सीखते रहना, हर लेवल पे अपने आप को और क्रिएटिव बनाते रहना, एक ढर्रे पे जो आप अपनी पढ़ाई कर रहे हैं या पढ़ाई करवा रहे हैं उसको बदलाव करते रहने से ही आप एक अच्छे टीचर बन पाएंगे दोस्तों। तो यदि आप सच में अपने स्टूडेंट्स के दिल पे राज करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके स्टूडेंट्स दिन दुनी रात चौगनी तरक्की करें, तो ये बेहद आवश्यक है, बेहद आवश्यक है कि आपके अंदर नए नए प्रकार के टीचिंग मेथड्स आपको इजाद करने होंगे और अपनी जिंदगी में लगाने होंगे दोस्तों। अगर आप ये नहीं कर पा रहे हैं तो आपको एक बात बताऊंगा दोस्तों, हम हमेशा एक वर्ड को यूज करते हैं टीचिंग के लाइसेंस को। हाँ दोस्तों, आपको पता है लाइसेंस किस किस चीजों का लिया जाता है, बंदूक का भी लाइसेंस लिया जाता है दोस्तों। और बंदूक का लाइसेंस लेने का मतलब क्या होता है कि हां भाई तुमको अलाउ है कि तुम बंदूक रख सको। पर कई बार मैं ये सोचता हूं बंदूक से कितने लोगों को मारा जा सकता है, उतने लोगों को ही तो मारा जा सकता है जितनी बंदूक के अंदर गोलियां हैं। पर एक टीचर को अगर सही ढंग से लाइसेंस नहीं दिया गया, एक टीचर जिसको पढ़ाना ही नहीं आता उसको लाइसेंस दे दिया गया पढ़ाने का, अरे वो कितनों को मार देगा, वो हजारों लाखों स्टूडेंट को मार देगा, वो ऐसी कौमों को तैयार कर देगा जो कुछ नहीं कर पा रही अपनी जिंदगी में, जो सिर्फ और सिर्फ क्वालिफिकेशन के पीछे दौड़ रही है पर सही में सच्चा इंसान नहीं बन पाई है। और ये सारा क्रेडिट किसको जाता है दोस्तों कि वो सच्चा इंसान बन पाए या नहीं बन पाए, ये टोटली एक टीचर को जाता है। एक टीचर ही बदलाव ला सकता है, नहीं तो कुछ नहीं कर पाओगे दोस्तों, कुछ भी नहीं कर पाओगे। ध्यान रखिएगा दोस्तों, एक सफल अध्यापक अगर आपको बनना है, एक सफल टीचर अगर आपको बनना है, तो आपके अंदर दूरदर्शिता होनी चाहिए, एक विजन होना चाहिए। वो एक कहानी जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं
कि एक राहगीर गुजर रहा था और तीन मजदूरों को काम करते हुए देखता है वो एक मंदिर के बाहर। एक मजदूर से पूछता है तुम क्या कर रहे हो, तो वो मजदूर कहता है तुम्हें दिख नहीं रहा, मैं ईंटों को उठा रहा हूं। वो दूसरे मजदूर से पूछता है तो वो जवाब देता है कि मैं एक इमारत का निर्माण कर रहा हूं। जब वो तीसरे मजदूर से पूछता है तो वो कहता है कि मैं एक मंदिर का निर्माण कर रहा हूं जिसमें लोग आएंगे और शांत अपने मन को करेंगे, वो प्रार्थना करेंगे, वो भगवान के करीब महसूस करेंगे। तो इतने अच्छे काम में मैं अपना सहयोग दे रहा हूं, इसमें मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूं। तीनों ही लोग मजदूरी कर रहे थे दोस्तों, तीनों ही लोग ईंट भट्टे और ये बजरी उठा रहे थे, पर जो परसेप्शन था उनका काम करने का वो कितना अलग था। यही एक अध्यापक के अंदर होना चाहिए दोस्तों, यही एक टीचर, एक ट्रेनर, एक कोच के अंदर होना चाहिए कि उसकी दूरदर्शिता यह है क्या कि मैं जिस बच्चे को पढ़ा रहा हूं वो इस आने वाली नस्ल का एक बहुत ही अभिन्न अंग बनेगा, वो इस दुनिया के अंदर बहुत बड़े बदलाव लेके आएगा। क्या एक टीचर जब पढ़ाता है तो वो इस बात को अपने दिमाग के अंदर रख पाता है? क्या उसके अंदर वो दूरदृष्टि है? क्या वो सिर्फ छोटा सोचता है कि मुझे तो भैया आज की क्लास के इतने पैसे मिल जाए, दैट्स इट? क्यों, कई बार एक टीचर भी दिहाड़ी के मजदूर की तरह सोचने लग जाता है और वो अपनी दूरदर्शिता को नष्ट कर देता है। इस वजह से वो एक अच्छा अध्यापक नहीं बन पाता, इस वजह से वो बदलाव नहीं ला पाता उन स्टूडेंट्स में जो बदलाव वो ला सकता है। वो क्या बेच रहा है? हाँ दोस्तों, ये बेहद आवश्यक है। एक टीचर भी एक प्रोडक्ट की तरह होता है। वो क्या बेचता है? वो सपने बेचता है? वो अरमान बेचता है? वो एक ख्वाब बेचता है क्या? वो बच्चों के अंदर ये भाव को डेवलप कर पाता है क्या कि तुम कॉन्फिडेंट हो, हाँ तुम कर सकते हो, तुम्हारी जिंदगी का ये मकसद होना चाहिए? या फिर वो एक बच्चे के अंदर अपनी फिक्रें बेचता है? हाँ दोस्तों, कई बार बहुत छोटी मोटी बातों की फिक्रें होती है, तुम ये नहीं कर सकते, अरे ऐसा नहीं होता, निराशाजनक बातें, डिप्रेशन की बातें, लो सेल्फ इमेज की बातें, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की बातें, अरे ये गलत हो रहा है, अरे वो गलत हो रहा है, अरे स्टूडेंट नहीं कर सकते, अरे वो ऐसे नहीं कर सकते। क्या आप अपनी फिक्रें बेच रहे हो? सिर्फ जिन बातों पर आप टेंस रहते हो, सिर्फ जिन बातों की आप वरी करते हो, क्या बच्चों के साथ भी वही साझा करते हो? या फिर जब भी एक बच्चा आपको दिखता है तो आपके दिमाग में एक ख्याल आता है कि ये बड़ा होके कुछ बहुत जबरदस्त काम करेगा? क्या आपके अंदर वो वाइब्रेशंस निकलते हैं कि ये बच्चा चाहे किसी भी तबके का हो, ये बच्चा चाहे अमीर हो, गरीब हो, चाहे बच्चा एक गोरा हो, काला हो, चाहे बच्चा किसी भी धर्म का हो, तब भी अगर ये आपकी छत्र छाया में आया है, ये आपसे एजुकेशन लिया है इसने, तो ये अपनी जिंदगी में कुछ जबरदस्त करके निकलेगा। अरे ये अपनी जिंदगी में उस मुकाम पे पहुंचेगा कि ये ना केवल अपने माँ बाप, अपने सोसाइटी का नाम रोशन करेगा, पर अपने खुद का और अपने अध्यापकों का नाम को भी चार चांद लगाएगा। तो दोस्तों, जब तक आप दूरदर्शिता नहीं रखेंगे बच्चों को पढ़ाते वक्त, तब तक आप ये काम नहीं कर सकते। सोचिएगा कि आप एक साधारण टीचर है या असाधारण टीचर है। अपने अंदर हमेशा इस बात को रखिएगा कि क्या आप एक खास टीचर है या आम टीचर है, क्योंकि अगर आप खास टीचर हैं तो आप हर पल जब भी किसी को पढ़ाएंगे एक विजन के साथ पढ़ाएंगे, आप उनको सपने बेचेंगे, आप उनके उद्देश्य से जोड़ेंगे, आप उनको यकीन के अंदर डालेंगे और आप उनके अंदर वो आत्मविश्वास जगाएंगे कि हाँ तुम बहुत कुछ कर सकते हो। तो दोस्तों, ये जो टीचिंग प्रोफेशन है, इसकी इज्जत तभी होगी जब आप खुद इसकी इज्जत करेंगे। हम कहते हैं कि अरे भाई इसमें तो ज्यादा पैसा नहीं मिलता, टीचर बाय चांस बन रहे हैं आजकल लोग, टीचर बाय चॉइस नहीं है, कुछ नहीं कर पा रहे तो टीचर बन रहे हैं। अरे टीचर बाय चॉइस बनिए, आप देखिए अपनी जिंदगी के अंदर कि हम जो काम करते हैं, हमारा जो टीचिंग प्रोफेशन है उस पर मुझे फक्र है, हम बहुत प्राउड फील करते हैं, हम भविष्य बनाते हैं, ना केवल एक बच्चे का भविष्य बनाते हैं, इस पूरे समाज का भविष्य बना रहे हैं, इस देश का भविष्य बना रहे हैं, विदेशों तक का भविष्य बनाते हैं। जब एक टीचर इस थॉट प्रोसेस से क्लास के अंदर उतरेगा तो आपको नहीं लगता कि वो ऐसे बदलाव, ऐसे क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है अपने समाज के अंदर जो पहली पीढ़ियों ने कभी सोचे भी नहीं होंगे? और ये सिर्फ विजनरी होने से होगा दोस्तों, सिर्फ उस दूरदर्शिता से होगा, ये सिर्फ विजनरी होने से होगा दोस्तों, ये सिर्फ दूरदर्शिता से होगा। तो हम आपसे गुजारिश करेंगे, प्लीज इसको अपनी जिंदगी में लगाइए और फिर एक साधारण टीचर से असाधारण टीचर बनिए दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट और बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, प्रेजेंटेशन और पर्सनालिटी। दोस्तों, किसी रेस्टोरेंट में जब हम खाना खाने जाते हैं तो कई बार लोगों को यह कहते हुए सुना है, खाना तो टेस्टी था
पर दिखने में अच्छा नहीं था। हाँ दोस्तों, क्योंकि खाने को भी पहले आंखों से टेस्ट किया जाता है दोस्तों। और ऐसा सिर्फ खाने पे ही लागू नहीं होता, हम जब किसी चीज को खरीदते हैं तो भी उसकी पैकेजिंग बहुत मैटर करती है, उसको कैसे प्रेजेंट किया जा रहा है वो बहुत मैटर करता है। अगर आपको नहीं पता, आप एक बार एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर थोड़ा सा नॉलेज लेके देखिएगा, आपको पता चलेगा कि प्रेजेंटेशन पर्सनालिटी कितनी अहमियत रखती है हर एक एरिया के अंदर। ऐसा ही टीचिंग के अंदर भी होता है दोस्तों। हम कई बार कुछ टीचर्स को देखते हैं और वो बिल्कुल टीचर जैसे लगते ही नहीं है। अब आप कहेंगे भाई टीचर जैसे कैसे लगा जाता है, हम आपको बस इतना सा समझाने का प्रयास करेंगे कि टीचर्स आपको निरंतर स्टूडेंट्स देखते हैं, आप कैसे कपड़े पहनते हैं, आप यहां तक कि कैसा सेंट लगाते हैं, आप डेली बेसिस पे नहाते हैं या नहीं नहाते, आपका जो हेयर ड्रेसिंग है वो कैसा है, आप अपने चेहरे को किस तरीके से प्रेजेंट करते हैं, सारी चीजें बहुत मैटर करती हैं दोस्तों। आप कैसे चलते हैं, कैसे खाना खाते हैं, आपके बात करने की तहजीब तमीज, आप में कितने एटिकेट्स हैं, मैनर्स हैं, ये सारी बातें आपकी पर्सनालिटी को, आपकी तहजीब तमीज को बनाती है दोस्तों। मैंने कई बार टीचर्स को देखा है, क्योंकि वो कहते हैं कि अरे भाई हम तो बहुत नॉलेज ले रहे हैं तो हमारे को क्या जरूरत है किसी भी और चीज का ध्यान रखने की। पर ये गलत है दोस्तों। हम अपने व्यक्तित्व से एक आदर्श बनेंगे, एक तो हमारा जो स्टूडेंट है वो हमें आइडलाइज करता है, वो हमारे को रोल मॉडल बनाता है, वो वही सीखेगा जो हम उसको प्रदर्शित करेंगे। सिर्फ बच्चा वो नहीं सीखता जो आप उसको मुंह से समझाते हैं, बच्चा निरंतर आपको देखता है और हर वक्त आपको ऑब्जर्व करता है। आपकी जो तहजीब तमीज होगी वो उसके अंदर आ जाएगी, आपके कपड़े पहनने के जो तरीके होंगे वो उसके अंदर आ जाएंगे। बहुत ध्यान रखें कि कौन से ओकेशन पे कैसा ड्रेसिंग सेंस कर रहे हैं, पढ़ाते वक्त कौन से सोबर कलरों का प्रयोग कर रहे हैं। कई बार कुछ अध्यापिकाओं को देखा है भाई, बहुत ज्यादा नेल पॉलिश लगा लेती हैं, बहुत ज्यादा लिपस्टिक लगाती हैं, बहुत सारे एसेसरीज और ऑर्नामेंट्स पहन के पढ़ाने जाती हैं, और हम ये देख के बहुत दुखी होते हैं कि वही जो 9th क्लास की लड़की है, 10th क्लास की लड़की है, वो ये तो नहीं सीखती कि मैम कौन सी इंग्लिश पढ़ा रही है, मैम कौन सा हिस्ट्री का सब्जेक्ट पढ़ा रही है, वो ये सारी बातें कैच कर लेती हैं। और बहुत कम उम्र में हम एक गलत मार्गदर्शन हम उन बच्चों को दे देते हैं। तो दोस्तों, आप कैसे अपने आप को कैरी करते हैं ये बेहद आवश्यक है। एक टीचर को टीचर की तरह दिखना चाहिए, लगना चाहिए। एक टीचर को नीट एंड क्लीन हाइजीन होना चाहिए। एक टीचर को अपने अदब, लहजे, कायदे के अंदर बहुत ही ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो वो एक अच्छा टीचर नहीं बन सकता दोस्तों। तो ये बेहद आवश्यक पॉइंट है और मैं पूरी गुजारिश करूंगा आप इसको अपनी जिंदगी में जरूर